सावन का पहला सोमवार है और बाबा के दर्शनों के लिए भगत जन बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं मेडर से भी पैदल चलकर लोग बाबा के दर्शनों के लिए मंडी बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में पहुंचे। भक्तों का कहना था कि इसी तरह हर साल हम पैदल चलकर मेडर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर आते हैं और बाबा से मुँह मांगी मुरादें पाते हैं। वहीं जिस तरह से मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि इस बार सावन के जो सोमवार हैं वो 8 आने वाले हैं और 8 व्रत जो है वो रखे जाएंगे। जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि 19 साल के बाद इस तरह का जो है वो सावन आया है और इस सावन में बड़ी संख्या में भगत जन जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ ही दिन के बाद बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, पर उससे पहले ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में श्रद्धालु बढ़ चढ़ कर पहुँच रहे हैं। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। से आया हूँ, जैसे कि सावन का पहला सोमवार है तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग अमरनाथ नहीं जा सकते वो लोग यहाँ पे आते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे आके मन को शांति मिलती है और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। यहाँ पे भोजन का भी प्रबंध होता है, तो लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और श्रद्धा के साथ आते हैं। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि सावन जो है
4 जुलाई से शुरू हो चुका है और ये जो है 30 अगस्त तक चलेगा। ये इस बार सावन जो है 2 महीने का है, वो जो हमारे पहला सोमवार आज है और इस बार जो है सावन के जो 8 सोमवार हैं, क्योंकि ये संयोग जो है 19 साल के बाद बन रहा है। इस बार जो है नमाज पढ़ रहे हैं बीच में, इसलिए जो है 4 में जो सोमवार हैं वो इस पर एक्स्ट्रा हैं। तो मैं जो है सबसे यही यहाँ पर जो है यात्रा हमारे पास जो है 15-20 दिन से जो है यात्रा 1 महीने से बढ़ चढ़ के आ रही है। लाखों के हिसाब से जो है यात्री का यहाँ दर्शन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कितना जो है रश है, कितने जो बाप बूढ़ा मन्ना जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मैं फिर जो है एक बार सबको बाप बूढ़ा मन्ना जी की तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं बाप बूढ़ा मन्ना जी से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व में सुख शांति रखें, सबका स्वास्थ्य अच्छा रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सब यहाँ के बाप बूढ़ा मन्ना जी के दर्शन करें और अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। गुरु श्री बाप बूढ़ा मन्ना जी की जय।